नमस्कार। हड़ताल समाप्ति की घोषणा को लेकर संघ के लोग क्या कह रहे हैं, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुख्यमंत्री जी से सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान जी के बीच वार्ता हुई। आपको जानकारी है कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में बीते 71 दिन से 5 सूत्री मांगों को लेकर बिहार की सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर थीं और इस दरमियान बड़े पैमाने पर सरकार के द्वारा दमन चक्र भी चलाया गया। 20 से 22 हजार लोगों का चयन रद्द भी किया गया। इसके बावजूद भी अभी तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर डटी रही। वामपंथी दल के नेता लोग बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से इन्होंने टाइम लिया था। बीच में मुख्यमंत्री जी 5-6 दिन इधर बीमार रहे, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। आज सूर्यकांत पासवान जी गए, मुख्यमंत्री जी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जो भी मांग है, हम लोग पहले से प्रस्ताव तैयार किए हुए हैं, बोलिए तो आप देख सकते हैं, सरकारी रिकॉर्ड बरकरार है, इसलिए हम लोग मांग पूरा करेंगे और जो भी इस दरमियान में चयन रद्द की कार्रवाई हुई है वो सब कार्रवाई भी वापस ले लिया जाएगा। यही आश्वासन माननीय विधायक सूर्यकांत पासवान जी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। आज हम लोग यहाँ संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक केदार भवन में कर रहे थे तो जाने के पहले भी उन्होंने सूचना दिया था कि हम जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। आज वो बुलाए, हम लोग बहुत आसान्वित थे और उन्होंने उनको कहा था कि ठीक है, उधर से आने के बाद जैसा भी होगा हम लोग को संवाद दीजिएगा। तो खुशी की बात यह है कि हम लोग बैठक में ही थे, बैठक में ही संयुक्त संघर्ष समिति के बैठक में जो चारों घटक शुरू से लेकर के अंत तक सभी लोग साथ रहे, हड़ताल में अपनी चट्टानी एकता दिखलाया, ये सब लोग अभी उपस्थित हैं केदार भवन में और माननीय विधायक जी ने आकर के मुख्यमंत्री जी का संवाद सुनाया। उसी संवाद के आलोक में बैठक में एक बार चर्चा परिचर्चा हुई और सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन का सम्मान किया। संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया कि हड़ताल समाप्त कर दिया जाए। हड़ताल लेकर में कब से ज्वाइनिंग लेंगे? संयुक्त संघर्ष समिति ने अभी फैसला किया है, प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया है और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं से आह्वान किया है कि वो कल यानी शनिवार से 9 तारीख से अपना कार्य पर चले जाएं, हड़ताल से वापस लौट जाएं। हड़ताल समाप्ति के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी डेलीगेशन मिलेंगे क्या? ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है, ऐसे कोई विशेष नहीं हो। सबसे पहले मैं संयुक्त संघर्ष समिति के चारों घटक की चट्टानी एकता को धन्यवाद क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। आज 71वां दिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का हड़ताल का है और वह अभी तक अडिग चट्टान की तरह खड़ी है और इसी का परिणाम ये हुआ कि वामपंथी दलों का प्रयास और माननीय विधायक सीपीआई सूर्यकांत पासवान जी जो प्रयास किया, आज मुख्यमंत्री ने बुला करके उनको आश्वासन दिया कि हम वार्ता करेंगे और चयन मुक्ति का जो आदेश है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसी आलोक में
संयुक्त संघर्ष समिति ने मिलकर यह फैसला किया है कि हम हड़ताल की समाप्ति की घोषणा करते हैं और कल से हमारी सेविका सहायिका बहनें अपने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करेंगी। धन्यवाद। जब से हम लोग आंदोलन में आए उस समय से वो अपने प्रयास रत्न हम लोगों के लिए करते रहे और आज उनकी बातों से सहमत होकर के हम चारों घटक दल के संयुक्त संघर्ष समिति दल के चारों राज्य कमेटी के नेतागण उन पर भरोसा किया और अपने मुख्यमंत्री पर भी भरोसा करके और हड़ताल से वापस लेने का हम लोग आज आह्वान कर दिया। कल से हमारी सभी बिहार की बहनें अपने अपने कार्य पर वापस जाएगी, अपने कार्य को प्रारंभ करेंगी। धन्यवाद। चारों घटक दल को हम धन्यवाद देते हैं, इसके साथ हमारे विंदेश्वर भाई को सबसे बड़ा धन्यवाद देते हैं कि चट्टानी एकता को बनाए रखे।